ध्यान दीजिएगा पोर्टल फाइव फोर्सेस को यूज करने के लिए अपन लोगों को फॉलोइंग थ्री स्टेप्स को यूज करना पड़ेगा दीज आर द्री स्टेप्स वी नीड टू रियली रियली अंडरस्टैंड एंड यूज स्टेप वन आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कंपेटेटिव प्रेशर एसोसिएटेड विथ ईच ऑफ द फाइव फोर्सेस अगेन रिपीट किया जा रहा है आपके पास Identify the specific competitive pressure associated with each of the five forces. Step 2. Evaluate how strong the pressure comprising each of the five forces are. These pressure can be fierce, strong, moderate, to normal, or weak. Step 2. Evaluate how strong the pressure comprising each of the five forces are fierce strong moderate to normal or weak step three determine whether the collective strength of the five competitive forces determine whether the collective strength of the five competitive forces is conducive to earn attractive profit is conducive to earn attractive profit ये क्या है तीनों पॉइंट इस तीनों पॉइंट को देखिए स्टेप वन था स्ट्रेटेजिस्ट को स्पेसिफिक फोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्ट्राटेजिस्ट आइडेंटिफाई करेगा कि पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट से क्या थ्रेट है बायर से क्या बार्गेनिंग प्रेशर हो सकता है सब्स्टिट्यूट से क्या थ्रेट हो सकता है सप्लायर के बार्गेनिंग का क्या प्रेशर है इन सारे चीजों को इवेल्युएट करेगा कि ईच फोर्स से कितना प्रेशर बनता है और कितना प्रेशर नहीं बनता अर्थात न्यू एंट्रेंट कितना थ्रेट देता है बायर्स का बार्गेनिंग पावर क्या होगा सब्स्टिट्यूट कितना थ्रेट देता है एंड सप्लायर का बार्गेनिंग पावर क्या होगा इन सभी चीजों का इवेल्युएशन करने का है अपन लोगों को दूसरा स्टेप कहता है इवेल्युएट हाउ स्ट्रॉन्ग द प्रेशर कंप्राइजिंग ईच ऑफ द फाइव फोर्सेस हा अपन लोगों को यहां देखना है कि जो एक एक चीज को एक एक प्रेशर को जो अपन लोगों ने इवेल्युएट किया उसका प्रेशर कितना बनता है स्ट्राटेजिस्ट इवैल्यूएट करेगा कि सारे फोर्स मिलाकर कंपनी के ऊपर कितना प्रेशर है यह प्रेशर फियर्स हो सकता है फियर्स बोले तो भयावह डेंजरस खतरनाक अगर अपन लोगों ने इसके लिए प्लान नहीं बनाया ना तो गया एब्सोल्युटली गया भाई बिजनेस के दुनिया से गया जैसे नोकिया चला गया वैसे चला गया यह प्रेशर फियर्स हो सकता है फियर्स बोले तो भयावह डेंजरस ये प्रेशर स्ट्रॉन्ग हो सकता है स्ट्रॉन्ग बोले तो वेरी चैलेंजिंग यह प्रेशर मॉडरेट टू नॉर्मल हो सकता है वो बोले तो ठीक ठाक असर देगा लेकिन संभला जा सकता है यह प्रेशर वीक हो सकता है वीक बोले तो खास असर नहीं होने का है जब स्ट्राटेजिस्ट इस प्रेशर के क्वांटम को डिसाइड कर लेगा क्वांटम क्या हो सकता है फियर्स हो सकता है स्ट्रांग हो सकता है मॉडरेट हो सकता है वीक हो सकता है इस चारों में से कुछ भी हो सकता है एक बार स्ट्राटेजिस्ट ने इसको इवेल्युएट कर लिया तो उसके बाद स्ट्राटेजिस्ट तीसरे स्टेप पे आएगा और वो होगा डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द फाइव कंपेटेटिव फोर्सेस इज कंड्यूसिव टू अर्न अट्रैक्टिव प्रॉफिट डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द फाइव फोर्सेस इज कंट्यूसिंग टू अर्न अट्रैक्टिव प्रॉफिट क्या ये मानने का है कि वो इतना मेहनत करने के बाद इतना रिस्क लेने के बाद रिटर्न जो आ रहा है क्या वो रिटर्न जायज है क्या इतने छोटे या इतने बड़ा रिटर्न है कि हम इसको लड़ सकें ये अपन लोगों को सोचने का है तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है इसको अपन लोगों को देखने का है कि कैसे होगा स्ट्रेटेजिक को देखने का है कि इस जंग को लड़ना भी है या नहीं ज इट वर्थ फाइटिंग दिस बैटल और नॉट दिस थ्री स्टेप्स विल डिसाइड की अपन लोगों को कंपटिशन में रहने का है या नहीं रहने का है अपने आप को कंपिटिशन में लड़ने का है या नहीं लड़ने का है ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा तो दिस इज वॉट एग्जैक्टली थ्री स्टेप्स जो माइकल पॉटर फाइव फोर्सेस का है यह थ्री स्टेप्स माइकल पॉटर फाइव फोर्सेस को यूज करने का तरीका बताता है कि अपन लोग कंपटीशन के दुनिया में माइकल पॉटर फाइव फोर्सेस को यूज कैसे करेगा ये यूज करने का तरीका बताता है माइकल पॉटर फाइव फोर्सेस को माइकल पॉटर पॉटर फाइव फोर्सेस का यूज करने का तरीका तीन स्टेप्स में है और ये तीन स्टेप्स आपने समझ लिया अपन लोग बिल्कुल गांव के भाषा में बोले तो ये बोलता है कि पहले देखने का है द फर्स्ट स्टेप देखने का है कि पांचों प्रेशर को देखो कि कितना कितना प्रेशर पड़ता है पांचों प्रेशर क्या है आपको पता है ये न्यू एंट्रेंट है ये बायर्स है ये सबस्टिट्यूट है ये सप्लायर है फिर देखने का है अपन लोगों को कि पांचों को मिला करके अगर देखा जाए पांचों को मिलाकर के अगर देखा जाए तो कितना प्रेशर बनता है ये प्रेशर चार तरह के हो सकते हैं ये फियर्स हो सकता है ये स्ट्रांग हो सकता है ये मॉडरेट हो सकता है ये वीक हो सकता है तीसरा स्टेप अपन लोगों को देखने का है कि पांचों प्रेशर को मिलाने के बाद जो प्रेशर बनता है क्या उसको लड़ना वर्थ है या नहीं है अगर वर्थ नहीं है तो निकलने का है वर्थ है तो जम के लड़ने का है लाइफ का अपन का एक ही फंडा है जो अपन बोलते हैं हमेशा बोलते हैं क्या लाइफ में यस बोले तो यस नो बोले तो नो ये बीच का नहीं Absolutely clear. तो या नहीं लड़ेगा लड़ेगा तो पूरा के लड़ेगा, लड़ेगा नहीं तो बिल्कुल नहीं लड़ेगा ये स्टेप में ये आखिरी में बात बोलता है। है तो मेरे को ऐसा लगता है कि अपन लोग को समझ में आ गया कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि थ्री स्टेप्स टू बीज फॉर यूजिंग द माइकल फॉर यूजिंग माइकल पॉटर फाइव फोर्स तो अपन को लगता है कि अपन आराम से लिख लेगा लेकिन ये डिक्टेशन आपकी कॉपी में जाएगा और आप एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे अब आप डिक्टेशन ले लीजिए अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ऑज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए डिक्टेशन स्टार्ट फॉर यूजिंग पॉटर फाइव यूजिंग पॉटर्स फाइव फोर्सेस आराम से लिखेगा द स्ट्राड The strategist can use, the strategist can use the five forces model, five forces model, five forces model to determine, to determine what competition, what competition is like, like, like in a given industry, like in a given industry by undertaking the following steps 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 step one identify identify the specific competitive pressure identify the specific competitive pressure associated with associated with Associated with each of the five forces, each of the five forces. Step two: evaluate, evaluate how a strong, how a strong the pressure, the pressure comprising, comprising each of the five forces are. Each of the five forces are. Each of the five forces are what fierce, fierce. Comma, strong, comma, strong, comma, moderate to normal, moderate to normal, moderate to normal, or weak, or weak. Step three Determine, determine whether the collective strength, whether the collective strength of the five competitive forces, whether the collective strength collective strength of the five competitive forces of the five competitive forces five competitive forces is conducive is conducive to earn to earn attractive profit to earn attractive profit तो आपने यहाँ पे देखा थ्री स्टेप्स विच कैन बी यूज टू यूज माइकल पॉटर फाइव फोर्सेस पहला स्टेप्स है कि पांचों प्रेशर को देखा जाए कि क्या क्या है दूसरा स्टेप्स है कि पांचों प्रेशर मिला करके कितना बड़ा स्ट्रेस प्रेशर क्रिएट करता है और तीसरा स्टेप्स है कि क्या हमें ये कंपटीशन लड़ना ये जंग लड़ना जायज है या नहीं है अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया वॉट आर द थ्री स्टेप्स टू बी यूज फॉर यूजिंग द माइकल पाउडर फाइव फोर्सेस तो आप एग्जाम में पक्का लिख लेंगे यस थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फोरगेट टू शेयर अबाउट एनी टाइम क्लासेस विथ योर फ्रेंड यू आर माई ब्रांड एम्बेस्टर यू आर माई हीरो थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू